हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रविष्ट किए गए निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय संसाधन इकाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर है, रोम व इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्य की संपूर्ण प्रणाली को कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं BIOS। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार नंबर है, BIOS का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांच नंबर है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्देश समूह न मानों के संग्रहित वह मानों के संग्रहित करके मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों वो है EEPROM। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छः नंबर है, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूम्यूलेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सात नंबर है, नियंत्रण इकाई में संकेत पते व आंकड़े के वाहक तारों को कहते हैं। तो दोस्तों उसे बस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठ नंबर है, ATM में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ATM में टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौ नंबर है हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क भंडारण युक्ति है। दस नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। तो वो 12 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर है, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य है। तो दोस्तों इसका कार्य है आगत करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर है, 12 नंबर है, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, 13 नंबर है, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जा सकता है। तो वो 100 MB तक किया जा सकता है। 14 नंबर देखेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो दोस्तों ये CD-ROM है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर है, फ्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो साउंड कार्ड से हम फ्लाइट की स्थिति को जानकारियों को ज्ञात कर सकते हैं। 16 नंबर देखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों ये उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर है, कंप्यूटर सिस्टम के भाग होते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के भाग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगला देखेंगे, MS वर्ड उदाहरण है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है, MS वर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये CPU में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंकड़ों सूचनाओं को संचयन किया जाता है। तो ये संचयन क्रिया में किया जाता है आंकड़ों और सूचनाओं को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर है, कर्नेल क्या है। तो दोस्तों कर्नेल किसी परिचालन प्रणाली का हृदयस्थ भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
परिचालन प्रणाली का कार्य है तो दोस्तों ये प्रक्रिया प्रबंधन का है। 23 नंबर है, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं तो कर्नेल, शेल, एप्लीकेशन, टूल्स, ये परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। 24 नंबर है, कंप्यूटर में बूटिंग कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों कंप्यूटर में बूटिंग दो प्रकार की होती हैं, हार्ड और सॉफ्ट। 25 नंबर देखेंगे, स्टार्ट मेन्यू प्रयुक्त करते हैं तो ये लॉग ऑफ करने में स्टार्ट मेन्यू का प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है, टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है तो टास्क बार स्क्रीन पर कंप्यूटर के निचले हिस्से में दिखाई पड़ता है, कंप्यूटर के निचले हिस्से में दिखाई पड़ता है। टूल बार 27 नंबर है, टूल बार के कौन कौन से भाग हैं तो ये विंडो का भाग होता है, टूल बार कौन से भाग हैं तो ये विंडो का भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर है, माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं तो पर्सनल फोल्डर कहते हैं। 29 नंबर है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों ये फाइंड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर लास्ट है, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं तो हम इसकी जानकारी माई डॉक्यूमेंट के द्वारा पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ थे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके लिए हैं। ये क्वेश्चन आज हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों लिखें, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।